सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। दिवाली के उपलक्ष्य में आज अनेकों भाव जो श्रवण किए, किसी संत ने समझाया कि ये सच्ची रोशनी से दिवाली हो गई, किसी ने राम जी के समय का उदाहरण लेके बताया कि कैसे उस समय वो चाहे दिवाली एक हर्ष का भाव था, एक खुशी, एक उस तरह से पूरे शहर को जगमग करने का, कैसे ये दिवाली की इंटरप्रिटेशन अनेकों तरह से हो सकती है। ये दातार निराकार, ये सच्चाई, ये जो हर समय की सच्चाई है, ये जब तक याद है तो हर दिन ये दिवाली ही है, ये भक्ति ही है, ये भाव मन के कि सच्चाई से जुड़े रहेंगे, इस दातार से जुड़े रहेंगे तो वाकई ही हर पल फिर मुबारक पल है। एक ह्यूमन माइंड की अगर हम बात करें, एक दिमाग, तो एक चित्र अखबार में देखे कुछ साल पहले का याद आ रहा है कि उसमें वो पोल्यूशन लेवल के बारे में आर्टिकल था, और एक चित्र की दिवाली का दिन है और कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं और अपने मुंह पे पर मास्क डाले हुए हैं, और इंटरव्यू में कि जब पूछा गया कि आप मास्क क्यों डाले हैं तो उत्तर मिल रहा कि ये फिर वो धुआं आता है तो खांसी आती है, एक सांस थोड़ी ठीक रहे हमारी। और फिर पत्रकार वही पूछता है कि फिर ये हवा को तो आप खुद ही ख़राब कर रहे हैं पटाखे जला के, और फिर खुद ही सांस की कंप्लेन कर रहे हैं। तो अक्सर ये इंसान की बुद्धि की बात जहाँ होती है, जो पता भी है कि नुकसान हो रहा है फिर भी वो काम करते ही जा रहे हैं, ऐसे भावों को जो एक, चाहे यहाँ हवा की ही प्रदूषण की बात नहीं, मन के भावों की, सोच की, समझ की, ये प्रदूषण भी एक कितनी ही ज़्यादा नुकसानदायक, और ये मन के दिमाग की सफाई करनी बहुत ज़रूरी, सिर्फ दिवाली के टाइम घरों की ही नहीं। तो कैसे मन में हर किसी के जहाँ स्वच्छता बनी रहे, ये भाव हर एक को याद रहे कि वो दूषित मन अगर है या फिर आसपास गंदगी है तो वो दोनों ही नुकसानदेह है। कैसे एक अपने जीवन को जहाँ साफ अगर रखना है तो शुरुआत अपने ही मन से, अपनी ही सोच से करनी है, ये भाव नहीं रखने कि आसपास कैसा माहौल है, आसपास वालों की सोच क्या है, ये एक बात, ये भाव आसपास की नहीं अपनी है, क्योंकि ये सुधार अपने आप से अगर शुरू करेंगे तो वो सुधार बाहर तक भी पहुंचेगा। वो एक भाव कि हम अगर ठीक हैं तो दुनिया भी ठीक लगेगी, और ऐसे ही एक इंस्पिरेशन बनने का भी फिर ये दातार मौका बख्शेगा औरों के लिए। तो मन में जहाँ भक्ति समाई हुई हो, ये निराकार समाया हुआ हो, तो वाकई ही वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ लाइट ही है, उजियारा ही है। ये निराकार स्वयं ही हर समय रहने वाली वो रोशनी, और इसी के आश्रय जो रहते हैं वो फिर जहाँ अनेकों उदाहरण सुने हैं, वो जले हुए दीपक भी स्वयं हैं, वो बुझे हुए दीपक को रोशनी देने वाले भी दीपक वही हैं, फिर एक इसी की अंश हैं तो इसी जैसे हैं, वो भाव मन में रहते हैं, ऐसे ही कर्म भी बन जाते हैं। तो कैसे अपने जीवन को हर समय ये सुधार की ओर ही मन लेते जाए, एक सफाई की ओर ही लेकर एक सोच को बनाएं। बात फिर वही कि जैसे एक हमारे को जब भी कोई गंदगी दिखती है और वो गंदगी दिखते ही वो हमारे पास एक अगर कूड़ा है
तो चॉइस भी दो हैं, या तो अपना हम वो बदबू वो गंदगी को देखते हुए भी आंखें उनसे चुरा कर अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया और किसी तरह वो गंदगी टाप गए, और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो बदबू ख़त्म तो मुंह से कपड़ा हटा के एक सांस ले ली। पर इसमें एक खुद तो उस पार चले गए, पर आने वाले हर एक इंसान को वो उसका सामना करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और वहाँ दूसरी चॉइस वही कि कुछ गंदगी दिखी भी है तो उसी समय उसकी सफाई कर दें, कि हम भी उसके बाद स्वच्छ रास्ते से निकल के जाएं और उनको भी फिर स्वच्छ रास्ता ही मिले। तो कर्म तो कैसे भी किए जा सकते हैं, भाव वही जो संतमती में हैं वो हमेशा एक अच्छे कर्मों की ओर ही अपना ध्यान लगाएंगे। एक अच्छी एक दिन में दिनचर्या अपनी भक्ति में ही बनाकर सारे कामों को करते हुए परमात्मा का आधार ही लेंगे। तो संतमती से जब हम युक्त हैं तो दिवाली ही दिवाली है, हर पल फिर वो रोशनी भी है, हर पल फिर वो सुंदरता भी है, वो सफाई भी है, हर पल फिर एक त्यौहार का भाव मन में कि ये आत्मा का त्यौहार है, ये आत्मा आनंद में है, उत्सव मना रही है, हर पल इस निराकार से जुड़ के फिर ये सहजता भी है, फिर ये आनंद भी है, फिर ये सुकून भी है। तो कैसे हर पल भक्तों ने जहाँ अनेकों उदाहरणों से ये जी कर दिखाया है, सिर्फ बोलकर संदेश नहीं, वो भावों को हम अगर पकड़ लें तो चाहे वो कितने भी रेपिटेटिव बार सुने हों, अक्सर बार बार अनेकों उदाहरण कान में पड़ते हैं और ख्याल यही आता है कि ये तो बहुत बार सुन लिया है, तो बात वो कि जब वो चाहे अनेकों बार सुन लिया है उसकी ओर झांक कर तो देखें कि क्या वो जीवन में उतरे हैं कि नहीं, वरना तो पहली बार क्या और अनेकों बार क्या, वो तो सिर्फ बात ही रह जाएगी। वो जब तक जीवन में नहीं उतरा तब तक उसके ऊपर एक आधारित कदम नहीं लिए गए। तो दाता हर एक पे कृपा करे कि सिर्फ एक पॉजिटिविटी की ओर ही चलते रहें, वरना तो ये पावन पवित्र पर्व चाहे है, दुनिया ने तो ये इसको भी बहाना ढूंढ लेना है कि एक त्यौहार है तो इसमें भी नशे कर लेने हैं, इसमें भी अपना घर उजाड़ लेना है। एक संत ही हैं जो चाहे पर्व हो ना हो हर दिन को ही पर्व बनाते हैं, हर दिन को ही उत्सव बनाते हैं। तो एक संतों का संग करके इस निराकार को मन में बसा के हर कोई हर पल को सुनहरा करते हुए हर दिन उजियारे में इस चमक में ही एक हर पल सांस ले। सत्संग जी, धन्यवाद जी, हैप्पी दिवाली जी।